This is The Director's Cut. जी, मेरे लिए परफॉर्मर ऑफ द ईयर दो लोग थे. एक रणवीर सिंह, बेहतरीन काम उनका गली बॉय था, गली बॉय. और एक आयुष्मान खुराना, जिन्होंने आर्टिकल 15 एक फिल्म की जो मुझे बहुत पसंद आई. वो फिल्म मुझे लगता है आयुष्मान खुराना इस तरीके से उनकी तीन फिल्में आईं और तीनों बहुत ही अलग फिल्में थी. जिस तरीके से आर्टिकल 15 में उन्होंने परफॉर्म किया, बाला में किया और साथ में ड्रीम गर्ल में किया, जिस अलग अलग किरदार थे तीनों फिल्म के और जिस तरीके खूबी से उन्होंने निभाया. आई थिंक आयुष्मान था. आई थिंक वो तो आयुष्मान को भी जाए. आई सॉ आर्टिकल 15, बट जितना तक मैं थोड़ा बहुत ड्रीम गर्ल देखे हैं, जितना तक मैं बाला देखा है, वो लड़का सॉलिड है. बट ऑल्सो आई थिंक रणवीर वॉज वेरी गुड इन गली बॉय, सुपर्ब था वो. Vicky Kaushal and Ranveer Singh. I think Yami Gautam also did a fantastic job in Bala. Alia Bhatt did brilliant. She was brilliant in Gully Boy. I think Gully Boys. Gully Boys. Yeah. Puri film. Puri film aur jis tarah se Ranveer ka performance. Aur jo director hai film ke, unhone uske pehle kafi polished film banayi hai. Rich class wali film. Ekdam raw aake banana. बट एकदम रॉ आके उस तरह से उस विजुअल्स कैप्चर करना और एक ऐसा किरदार जो रणवीर ने भी कभी निभाया नहीं, उस किरदार को इतना बेखूबी से और ईमानदारी से निभाना और अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह, मतलब ये दोनों मेरी. कबीर सिंह के लिए एंड फॉर गली बॉय. मुझे लगता है इस साल जितनी वैरायटी का काम आयुष्मान खुराना ने किया, वो एक साल के अंदर एक परफॉर्मर से देखना थोड़ा मुश्किल है. चाहे उनकी आर्टिकल 15 हो या ड्रीम गर्ल हो या बाला हो, तो फॉर एन एक्टर, यू नो, आई डोंट थिंक इससे बड़ी बात उसके लिए कुछ हो सकती है कि इतने वेरिड रोल्स किए जाएं और इतना प्यार दर्शकों से यूनिफॉर्मली मिले. सो क्या बात है. शाहिद, रणवीर एंड विक्की कौशल. मैं एक डायरेक्टर होते हुए तो मैं ये ही बोलूंगा कि आदित्य धर वॉज द परफॉर्मर ऑफ द ईयर फॉर मी. मतलब इतना बढ़िया पिक्चर उन्होंने बनाया. बेस्ट परफॉर्मर मैं बहुत ही स्वार्थी होकर बोलूंगा कि मेरी फिल्म हाउसफुल का अक्षय कुमार. दिस इज द डायरेक्टर्स कट.